साल 2019 से पहले बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से मजबूत करने में जुटी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन तीनों राज्यों यानी कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजों को काफ़ी अहम माना जा रहा था, जो कि बीते दिन रिजल्ट भी आ गए हैं। अगर मौजूदा समय की बात करें तो पूर्वोत्तर नतीजों से पहले देश के 19 राज्यों में बीजेपी और उनके सहयोगियों की सरकार है, जबकि कांग्रेस की सत्ता महज 5 राज्यों में सिमट कर रह गई। अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो देश की करीब 67% आबादी पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज है। वहीं कांग्रेस की पहुंच केवल देश की 7% आबादी तक ही रह गई है। इस साल पहले कर्नाटक और फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन 4 राज्यों के चुनावों के 2019 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं हाल ही में उपचुनाव हुए, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों ही जगह कांग्रेस ने जीत हासिल की। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।